कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त व स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराने व सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य सुरक्षा विभागों जैसे एयरफोर्स, एसएसबी, पीएसी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी सामंजस्य बैठाकर त्योहारों एवं स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराएं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौसतुम, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि वो स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराने व सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य सुरक्षा विभागों जैसे एयरफोर्स, एसएसबी, पीएसी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी सामंजस्य बैठाकर त्योहारों एवं स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराएं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौसतुम, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता ने कहा, सर से आपके सर बहुत बढ़िया की हम तो कमांडर है, आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे। और आप लोग इसको पता है, इसने मीटिंग कॉल करी है, मैं तो छुट्टी भी नहीं, एक कुछ नहीं है, एजेंडा क्या है, बैठ गए, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट हो गए, आपस में शक्ल देख ली, यही एजेंडा होता है। गोरखपुर में है उनके लिंक्स एक दूसरे के साथ एस्टेब्लिश है और किसका क्या रोल है वो डिफाइन हो जाए, तो आई थिंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे अभी तक कि आपने कर ली ना, जी आज सभी स्टेक होल्डर्स चाहे गोरखपुर में किसी भी किस्म की जो फोर्सेस होती हैं, चाहे वो एसएसबी भी है, यहाँ पर आपने देखा पीएसी भी है, एयरफोर्स भी है, तो सभी के साथ एक संयुक्त मीटिंग लिखी की गई जिससे कि आगे आने वाले त्यौहार और 15 अगस्त और जो बाकी जो सिनेरियो है उस पर एक जो सुरक्षा की एक योजना जो बनाई गई है उसको रिहर्सल किया जा सके और गोरखपुर में पूरी तरह से शांति रखी जा सके।